चालू करवा लेना और उसका जो डब्बा वगैरह रहेगा ना बॉक्स वगैरह वो बोल देना लेके मत जाना दादा। अरे पीछे दादा थोड़ा आइए दादा कैमरा पीछे ले यार तू दादा थोड़ा क्लोज पीछे ले ले तेरा हाँ पूरा सर राइट राइट दादा ये दादा आपके राइट में थी सर ये आपके लेफ्ट में एक बार दादा दादा सोलो एक सोलो दादा एक सोलो दादा दादा सोलो मिलेगा दादा एक सोलो एक आपका सिंगल पीछे ले ले अरुण दादा दादा क्या बात है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो सेंटर में एकदम सर यहाँ पे सर यहाँ पे सेंटर में आपके Well, we call him as Rising Star. Ladies and gentlemen, let's welcome this Rising Star, Namoshi Chakraborty. The Disco King, ladies and gentlemen, calling for Disco King Mithun Dada over here with us. Thank you so much for coming here and thank you so much for gracing this event. Thank you so much once again, letting you all know the movie is releasing on 28th of April. Well, we have a special announcement as discussed, so let me hand over the mic to Sir for this announcement. वेलकम एवरी वन हियर वी आर ऑल हियर टुडे आज हम यहीं पे सब मिले हैं इसलिए कि 22 तारीख को हम बहुत बड़े पैमाने में इसको अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कर्टन रेजर है हम आपको ये बताना चाहते हैं इसीलिए इनवाइट किया है कि 22 तारीख को बड़े पैमाने में हम बैड बॉय पिक्चर जो आ रही है जिसमें नमोशी चक्रवर्ती एंड अमरीन और द मैजिशियन राजकुमार संतोषी बस उम्मीद करूँगा आप ये बच्चों को आशीर्वाद करें और प्रोड्यूसर द मैन हु हैज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न आई माय डीप रिस्पेक्ट फॉर हिम थैंक यू राजीव बोलिए नमस्ते आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए हमने बहुत मेहनत की है मोर देन एनीथिंग एल्स
दादा का ब्लेसिंग है इस पिक्चर में, दादा का आशीर्वाद है। हम दादा के बड़े फैन रहे हैं, बहुत कुछ सीखने मिला इनसे, किस तरह से मेहनत करके अच्छी फिल्म बनाई जाती है, वक्त पे फिल्म बनाई जाती है, बजट पे फिल्म बनाई जाती है। बहुत लोगों का घर चला है दादा के फिल्मों के वजह से, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे लोग ने मतलब जो है अपनी ज़िंदगी सवारी है इन फिल्म इंडस्ट्री में। बट आज मैं आप सब से यही गुजारिश करूँगा, आप लोग अपनी तरफ से जितना हो सके आशीर्वाद दें, शुभकामनाएँ दें नमोशी चक्रवर्ती और अमरीन को। ये दो यंग टैलेंट्स हैं जो इनक्रेजमेंट चाहिए जिन्हें, और मुझे विश्वास है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये भी अपना एक मकाम बना पाएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे। बहुत ही काबिल लोग हैं ये दोनों, नमोशी चक्रवर्ती, अमरीन। ऐसा डायरेक्टर मैंने हमेशा बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ काम किया है, और ये जो इन दोनों के साथ काम किया मुझे बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आया। बहुत ही सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग टैलेंट है। तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एनकरेज देम एंड गिव अ बिग हैंड टू नमोशी एंड अमरीन। एंड वंस अगेन आई ऑल्सो लाइक टू से साजिद कुरैशी जी एज अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर, आज के वक्त में जो हिम्मत ये दिखा रहे हैं दो नए टैलेंट को लेकर, जिस तरह से पब्लिसिटी, जिस तरह से फिल्म को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर आज खामोश बैठे हैं स्टार के इंतज़ार में कि स्टार आएगा, साइन करेंगे, फिल्म बनेगी। इन्होंने टैलेंट पे भरोसा करके, कंटेंट पे भरोसा करके, डायरेक्टर पे भरोसा करके फिल्म बनाई है और बड़े पैमाने में रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ही ऑल्सो डिजर्व लॉट ऑफ एनकरेजमेंट एंड अ बिग हैंड। थैंक यू। मैं ज़रूर कहूँगा, राज जी ने कहा कि थैंक यू बच्चों को दीजिए, लेकिन ये बात सच है, दिल से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने स्टार का इंतज़ार नहीं किया, टैलेंट का किया, टैलेंट पे भरोसा किया, प्रोड्यूसर पे भरोसा किया। और इसीलिए मैं दुआ करूँगा कि प्रोड्यूसर का पैसा ज़रूर वापस आए। Yes, sir. Can we as well hear from you? How was the experience? First of all, I want to thank Dada and Rajji. So, Dada, आपका शुक्रिया, आपने नमोशी को दिया है मेरे लिए इनबॉक्स पिक्चर्स में काम करने के लिए। And and this is a proud moment for our company, इनबॉक्स पिक्चर्स, कि we are launching अमरीन and नमोशी in our banner. एंड बहुत बहुत शुक्रिया राज जी, आपका आपने अच्छी फिल्म बनाई है। तो चलना नहीं चलना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इट्स अ गुड फिल्म, वी हैड डन द फिल्म, वी हैव सीन द फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। नमोशी और अमरीन ने बहुत हार्ड वर्किंग किया है, तो ऑल सब के लिए मेरा थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके लिए भी थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। द चार्मिंग ब्यूटी, हाउ अबाउट हियरिंग इट फ्रॉम यू एज वेल? First of all, thank you to the media for coming here. I want to मुझे ये platform का इस्तेमाल करना, मुझे अपने producer का thank करना है, क्योंकि उन्होंने दो newcomers में believe किया है जो आजकल लोग नहीं करते हैं, and उन्होंने किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ी ये movie को larger than life बनाने में। Thank you to Raj ji, sir, आपके बिना ये movie complete हो ही नहीं सकती थी। Thank you Mithun sir for always guiding us. And thank you to my co-star for being so supportive. And hamara event ho raha hai 22nd of April ko, so and it's gonna be a huge platform for both of us. And thank you to everyone who believed in us. We both newcomers need all your support and love. And so thank you. Thank you. That was well, sir. Lots of blessing and wishes from all of us. And let's hear from our rising star, Namoshi Chakraborty. हेलो एवरीवन। साजिद भाई ने कहा कि डैड ने उन्हें मैं दिया, बट वो सच नहीं है। अगर आज इस मंच में मैं खड़ा हूँ तो आई ओ इट टू पीपल, साजिद भाई एंड राज जी, हु हैव बिलीव्ड इन मी, पुश्ड मी, एंड फॉर दैट रीज़न आई एम ऑन दिस स्टेज विथ माई फादर इन दिस स्टेज। आई ओ माई बिगिनिंग टू दीज टू पीपल हु हैव स्टूड बाय मी फॉर द लास्ट 2.5 years। आई सल्यूट यू बोथ for your love and support. हमारा event है 22 तारीख को, it's a pre-release event of Bad Boy, जहाँ हम सब होंगे मौजूद। Again, it is the vision of this mind-blowing producer,
तो मैं चाहता हूँ आप सब आए और इंजॉय करें. थैंक यू. थैंक यू. दैट वॉज ब्यूटिफुल. सुनने में कुछ ऐसा लगा कि मैं डैडी को थैंक यू नहीं बोलूंगा, ऐसा लगा कि क्या बोल दिया, लेकिन ये सच है. आप इसे मानिएगा, क्योंकि मैं बहुत अजीबोगरीब एक डैडी हूँ जो कहता रहता है कि फाइट योर ओन बैटल. एज ए फादर आई एम ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज बिहाइंड यू. लेकिन ये स्ट्रगल तुम्हारी है, तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे की दुनिया तुम्हें देखनी है, मुझे नहीं. सो दैट वे आई एम ए बैड फादर. बट सॉरी दादा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टू स्ट्रेस दिस पॉइंट, बिकॉज दादा को तो हम बहुत इज्जत करते हैं. दादा के एक लफ्ज, एक बात कह दें तो वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है. बट ये सच है, दादा ने मुझे कभी फ़ोन नहीं किया. मैं दादा को पहली बार इस फिल्म के सिलसिले में शूटिंग के दौरान पासिंग में मिला, ऐसे गुजर रहे थे वहाँ से, वैसे देखा मैंने. अदरवाइज ही नेवर एवर सेट वन वर्ड, टेक केयर ऑफ नमोशी या नमोशी को लो, नथिंग. प्योरली बोथ नमोशी एंड अमरीन ऑडिशन ले. मैंने पहले साजिद से कहा, मैंने साजिद भाई मैं मिलूंगा नमोशी से, मैं देखता हूँ कैसे है, इफ आई एम सेटिस्फाइड देन ओनली आई विल बी ऑन द बोर्ड, अदरवाइज आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू सिचुएशन. सो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई नमोशी. सेम थिंग अमरीन ऑल्सो आई मेट, आई स्पोक टू हर, वी टुक सम शॉट, आई वॉज कन्विंस्ड एंड देन दे वर बोथ इन द फिल्म. दैट इज वॉट इट इज एंड दिट इज माई ऑनेस्ट कन्फेशन. थैंक यू. ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच फॉर दैट कन्फेशन. We have an announcement, sir. Can I request you to do about the video announcement? All right. So we have an audio visual which will be playing now. Video, yes. Q&A, so please take seat. A quick Q&A, please, media. To raise their hand. Kya baat hai? Haan ji, to yahan se pehla sawal hai, please. नमोशी. हाय, आपके ठीक सामने. हाय, आप राइजिंग स्टार बोला जा रहा है आपको, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आप डेब्यू कर रहे हैं. थैंक यू. आपके डैडी लेजेंड माने जाते हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. सो कुछ बताना चाहेंगे कि कितने स्टेप्स उन्हें उनके फॉलो करते हैं आप, एंड कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, क्योंकि आपके डैड हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हैं. तो जब एक स्टार किड आता है तो बहुत सारी बातें होती है कि सबसे बड़ा प्रेशर तो यही होता है कि अपने डैडी की तरह या उनसे भी आगे. तो ये सारा प्रेशर एक स्टार किड के ऊपर होता है. तो आप बताइए कि कितना प्रेशर है आपके ऊपर, एंड बैड बॉय के बारे में कुछ बताइए. आपका नाम? अरुण कुमार. ओके. अरुण भाई, फर्स्टली थैंक यू फॉर कमिंग. रही बात, आप जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे लोग जम गए हैं इन्हें देखने के लिए. तो ये लेजेंड नहीं है, ये गॉड है जो 50 साल से हिंदी सिनेमा, हिंदुस्तान को अपने काम से कैप्टिवेट कर रहे हैं. सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में दिस मैन इज अ लेजेंड. रही प्रेशर की बात, अगर एक डेब्यू मेकिंग एक्टर को आप लेजेंड से कंपेयर करेंगे तो उसमें कोई कंपैरिजन होता नहीं है. ऑनेस्टली यू कैन नेवर कंपेयर अ लेजेंड टू अ न्यू कमर. बट आई वॉन्ट टू थैंक माई फादर फॉर वन थिंग, दैट ही टॉट मी टू बी अ फाइटर. माई फादर केम फ्रॉम नो वेयर एंड ही बिकेम अ किंग. तो ही टॉट मी टू बी अ फाइटर. रही बात प्रेशर की, मैं इस प्रेशर को प्रिविलेज मानता हूँ कि मुझे ऐसे फादर मिले, ऐसे प्रोड्यूसर मिले, ऐसे एक्टर मिले, ऐसी हीरोइन मिली पहली फिल्म में, ताकि इस मंच पे हूँ. आई एम नॉट टेकिंग एनी प्रेशर, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड आई होप जब आप बैड बॉय देखें 28 अप्रैल को, आपको मेरा काम पसंद आए. दैट्स ऑल आई होप फॉर. थैंक यू. एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू. दादा, बैड बॉय में हमने आपकी एक छोटी सी झलकियाँ देखी, लेकिन आपके फैन चाहते हैं कि आप हर साल तकरीबन 4 से 5 फिल्में करें, लेकिन कुछ फिल्में आपने कम कर दी है इन दिन, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि बैड बॉय के लिए जिम्मेदारी दोनों है. इसीलिए कि मैंने कहा क्या करूंगा मैं, बोलते दादा वो हमको कुछ नहीं मालूम, ये गाना है और गाने चाहे एक हो, आधा हो, छोटा सा हो, आपको आना पड़ेगा और आपको इतना सा करना पड़ेगा. सो ही गिव क्रेडिट टू दिस मैन, एंड द सॉन्ग इज सच ए बिग हिट नाउ
अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, नमो श्री को अच्छा लगा, अमरीन सब चाहते थे कि मैं आऊं। नाउ आप चाहते हैं कि 3-4 फिल्में हर साल करूं, लेकिन इस साल तो 3 शूटिंग मैंने खत्म की है, लेकिन मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि अगर आज मुझे बोले कि आप डिस्को डांसर का डांस करिए, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत कुछ, समय के साथ चलना पड़ता है, समय के साथ आप बढ़ते हैं घटते हैं, तो डिस्को डांसर मैं नहीं कर सकता, उसी की तरह कुछ कुछ कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है मैं थोड़ा स्लो डाउन कर गया हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अभी जो कुछ भी करूं, जो इतना बड़ा नाम दिया है ऊपर वाले ने, एटलीस्ट आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया है उसकी इज्जत रखने की कोशिश करूं, इसीलिए चूज करता हूं वही फिल्म जो मुझे थोड़ी गुदगुदी दे, इसलिए अब रिलीज, अब देखिए आप देख रही है कि क्या होता है, ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, फिर अभी हमने OTT में रिलीज की है, अभी कोलकाता में बेस्ट सेलर OTT में, कोलकाता में एक पिक्चर की है प्रजापति बंगाली में, आज की तारीख में जो इम्पॉसिबल है वो पिक्चर ने करके दिखाया, थिएटर में 100 डेज कंप्लीट किया है थिएटर में, इस वन ऑफ द बिगेस्ट इन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, जिसके लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर से, और इससे ज़्यादा क्या मांगूँ, आप लोगों का प्यार, ये प्यार कभी कम नहीं करना, बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हाँ करते रहना। और अगला क्वेश्चन यहाँ से, हाँ मेरा क्वेश्चन अमरीन के लिए है कि आप करियर का शुरुआत कर रही हैं और आप मिथुन जी जैसे लेजेंड के साथ काम कर रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल एक इतने बरगद जैसे इंसान के साथ काम करने का? जैसे आप सभी ने देखा जनाबे अली सॉन्ग में मिथुन सर थे एंड उनके साथ डांस करना एक ट्रूली एक्सपीरियंस था, वन ऑफ आई थिंक सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। एंड सो सर जब शूट पे रहते थे, सेट पे रहते थे, वो हमेशा गाइड करते थे मुझे, और बट हमेशा तारीफ ज़्यादा करते थे सर मेरी। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ सेट पे से। एक सीन था जहाँ पे मुझे दौड़ के बस पकड़नी थी एंड हम बैंगलोर में शूट कर रहे थे, वहाँ पे कंडक्टर की लैंग्वेज ऑफकोर्स कनाडा, आई डोंट नो क्या लैंग्वेज थी उनकी, वो जो बोल रहे थे कनाडा लैंग्वेज, तो वो हमारे वो समझ नहीं पा रहे थे, हम उनको कोशिश कर रहे थे कम्युनिकेट करने की, बस थोड़ा स्लो चलाइए, थोड़ा फास्ट चलाइए, बट हो ही नहीं, मतलब 20 टेक हो गए, बहुत कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। एंड देन मिथुन सर ने एक बार कंडक्टर को या फिर बस ड्राइवर को जाकर एक्सप्लेन किया कि ऐसे करना है, एंड देन द नेक्स्ट थिंग यू नो हमें वो शॉट मिल गया था। सो आई थिंक सर ने बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प की, शूटिंग बहुत इजीली हो जाए। तो जी मिथुन दा, रवि फ्रॉम ABP न्यूज। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सर। जिस जमाने में आप काम करते थे 70s, 80s और 90s में, वो दौर ऐसा था जब एक एक एक्टर, एक स्टार 12-12 फिल्मों में काम करता था, एक दिन में 4 शिफ्ट किया करता था, और आज का जमाना जो है बहुत प्रोफेशनल हो गया है, अब लोग एक फिल्म करते हैं और फिल्म खत्म होने के बाद दूसरी साइन करते हैं। आप कितना बदलाव देखते हैं 70s से लेके ये जो 50 साल में जो कुछ बदल गया है, आप उस बदलाव को कैसे देखते हैं? मेरे लिए कुछ बदला नहीं, इसीलिए कि मैं उस दिन भी उतना ही सिंसियर था, आज मैं उतना ही सिंसियर हूँ। 4 शूटिंग मैंने की है, 5 शूटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ। आजकल आपको एक स्टार बनने के बाद जो पैसा आप लेते हैं, हमको 4 फिल्म करने के बाद मिलता, तो मनी प्लेज अ बिग गेम। प्रोफेशनल हुआ है, थोड़ा लाभ भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। नुकसान में हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप में गैप आ गया। अभी हाउ आर यू बोलने के लिए एक वैनिटी से दूसरे वैनिटी में हम SMS करते हैं। अच्छा। उतना सा उतरते आके भी गले, आगे पहले दिनों में हम एक दूसरे से गले मिलते थे, एक साथ खाना खाते थे, उठते बैठते थे, लेकिन थोड़ा फासला आ गया, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन एंड द प्रोफेशनलिज्म। आप बोलते 12-14 फिल्में, आप लोगों को शायद मालूम होगा, ज्योति इधर है, ज्योति को मालूम होगा, एक टाइम मेरी 65 फिल्म फ्लोर में थी, 65 फिल्म्स ऑन फ्लोर,
और 65 फिल्म्स मैंने खत्म की है और उनमें से बहुत सारी फिल्में बिग 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 सुपर हीरो की है। तो काम करना हमारे लिए आसान जैसे आपने कहा है। आज के स्टार्स को कोई एडवाइस देना हो तो वो क्या होगा? कोई एडवाइस नहीं, कुछ नहीं, मैं खाली मेरे बेटे को एडवाइस दे सकता हूँ। मैं उसको यही कहता हूँ कि अच्छा इंसान बनना तो अच्छा एक्टर बनेगा, जो अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा एक्टर बन ही नहीं सकता। थैंक यू। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन इज हियर। अगर वहां से कोई क्वेश्चन हो रहा है तो थोड़ा सा आगे आना होगा ताकि स्पीकर्स विजिल ना बजाए। एंड क्वेश्चन इज हियर, सेकंड रो। थैंक यू। फ्रॉम हियर साजी जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि न्यू चेहरे पर भरोसा करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो क्या वो ऐसी चीज थी जो आपको नमोशी और अमरीन पर भरोसा करने के लिए मजबूर कर दी? एक ही चीज थी उसकी, उसका नाम है राजकुमार संतोषी, दूसरा कोई भी नहीं है उसके अल्टरनेट। और अगर वो नहीं होते तो शायद मैं दोनों को लॉन्च नहीं कर पाता। द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यहां पहले से राजी, यहां। हां ओके। आपने अक्सर बड़े स्टार्स के साथ काम किया हुआ है एंड दे कम विद द बैगेज ऑफ देयर इमेज एंड देयर स्टार स्टेटस। यहाँ पे दो नए कलाकार हैं जिनके पास बैगेज नहीं है, तो एज ए डायरेक्टर आपको कितनी आजादी मिली इनके डायरेक्ट करने की और उस आजादी का फायदा एज ए डायरेक्टर आपको कितना मिलना? फॉर्चुनेटली घायल के बाद में जितने भी स्टार के साथ काम किए मैंने वो भी मेरे लिए न्यू कॉमर जैसे ही रहे हैं, वही डिसिप्लिन वही रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने काम किया है। इससे पहले बॉबी देओल एंड ट्विंकल को भी मैंने लॉन्च किया था बरसात में, एंड देन रणबीर कपूर की करीब करीब पहली सेकंड पिक्चर थी अजब प्रेम की गजब कहानी, क्योंकि पहली दो तीन फिल्म मेरी बड़ी अच्छी गई, कामयाब रही, तो रिस्पेक्ट तो कमांड कर रहा था मैं सभी के साथ में। लेकिन अभी ये जो नमोशी एंड अमरीन का जो है, यंगस्टर्स जनरली यंगस्टर के साथ एडवांटेज ये है, दे ब्रिंग लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, ए बी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो हमारी तरफ देखते हैं गाइडेंस के लिए, फर्स्ट टाइम है तो अच्छा लगता है इनको इंस्पायर करते हुए। और जब उनके सीन बन जाते हैं, शूट हो जाते हैं, मैं जब ट्रेलर देखता हूँ तो यकीन नहीं आता है कि ये जो लोग फर्स्ट टाइम जो मेरे पास आए थे तो कैसे थे और आज ये पर्दे में कैसे आए। इट इज जो थ्रिल एक साइंटिस्ट को मिलता है डिस्कवर करने में, तो वही थ्रिल मुझे मिलता है एज ए डायरेक्टर कि मैं भी डिस्कवर कर रहा हूँ इनको, तो आई एम श्योर ऑडियंस भी देखेंगे वो भी डिस्कवर करेंगे। लगेगा नहीं कि अब इनकी पहली पिक्चर है, दोनों ने इतना जम के काम किया है, इतना मैच्योर परफॉर्मेंस दिया है, ऐसे लगेगा आपको कि बड़े एस्टैब्लिश एक्टर हैं ये। मिथुन दा, घर पे आपका बेटा बैड बॉय है या गुड बॉय है? मिक्स गुड बैड बॉय। हाय नमस्ते, दिस इज रूना फ्रॉम वेब दुनिया। एक तो रूना फ्रॉम वेब दुनिया जी, आपका स्वागत है इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। खैर आप नया चेहरा तो मैं बोलूंगी, लेकिन एट द सेम टाइम घर में तो नई बात नहीं होगी फिल्मों की डिस्कस करना। पापा कैसे हैं? मतलब जब उनसे घर पे मिलते हैं तब तो डेफिनेटली पिता जैसा एक स्वभाव होता होगा, लेकिन जब आप शूट करते हैं तब पापा कैसे होते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि पापा घर पे हमें बहुत पैम्पर करते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड। तो जब भी ये आउटडोर करके आते हैं तो हम इनके खाने का वेट करते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी सपोर्टिव एंड लविंग फादर। इनकी एक बात जो बहुत अच्छी मुझे लगती है, इवन एज एन एक्टर नाउ दैट आई एम वर्किंग, ये हमेशा एनकरेज करते हैं लोगों को। वी आर फोर सिबलिंग्स, माई एल्डर ब्रदर मीमो, ही मेड अ डेब्यू 15 ईयर्स अगो एंड आई बिलीव दैट ही इज़ द मोस्ट अंडर रेटेड एक्टर ऑफ आर कंट्री। जब वो आए थे माई फादर वॉज सो प्रैक्टिकल विद हिम। I used to feel जब मेरा दिन आएगा I hope he softens, but he remains practical। And आज ही उन्होंने बोला, नमोशी आपको जितना appreciation मिल रहा है take it in your stride, but then move on to the next film and work harder। We are never told कि अब तुम star बन गए, nothing। We are very humble and he keeps us grounded। रही बात set की, जिस दिन इनके साथ dance था उस दिन राजजी भी set पे थे and dad, तो मेरे दो masters set पे थे। और बट उस दिन आई वॉज एक्चुअली ओवरजॉयड टू बी डांसिंग विद द फर्स्ट डांसिंग सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री, जस्ट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम एंड डांस विद हिम।
मैं तो ओवरवेल्म था, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही एनर्जी डाल दी उस दिन. बट टू शेयर द स्क्रीन स्पेस विद हिम वाज अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट ये मेरी पहली फिल्म में ही हो गया. मिथुन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके क्या खूबियों का अंश आपको अपने बेटे में दिखता है और आप इनके डांस को कहां रेट करते हैं? देखिए, मुझे क्या देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है नमोशी को सब चाहता है कि मिथुन चक्रवर्ती दिखे, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि 45 इयर्स और ये कुछ दिनों के सब फिल्म एक्टर हैं. आप देखिए, आप उनको जज करें, फर्स्ट फिल्म फर्स्ट एक्टर कैसा करेगा एक नया एक्टर, लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती के साथ उसको जुड़ के करेंगे वो छोटा ही दिखेगा. लेकिन एज एन एक्टर जितने मैंने देखी है, एज ए न्यू कमर, ये दोनों मेरे को बहुत बहुत इम्प्रेस किया है. मैंने तो पहले दिन ही सेकेंड डे को मैं अमरीन को कह दिया था कि लुक आउट फॉर दिस गर्ल, शी इज गोइंग टू बी अ स्टार. आज भी मैं बोल रहा हूँ, और नमोशी को तो इतना ही कहूँगा कि यू कांट हेल्प इट, तुझे लोग बोलेंगे या चाहे खाली इतना बोल देंगे, चलो भाई बोल दे, चलो गोरा मिठुन चक्रवर्ती आ गया, चलो. Hi, over here, sir, to Mira Sawal Mithun Das se hai. If you can see me, second row. This is Mayur here from Beyond Bollywood. Mira Sawal Mithun Das se hai. Sir, obviously, zamana badalta hai. Aur mujhe, sir, ye janna tha, bataur, not just as a journalist, but ek aapka main fan raha hoon bachpan se. Aur mujhe aap poochna tha, aaj is din, obviously, aapke bete debut kar rahe hain. Lekin mujhe janna tha ki jab aapne aapko aapke career ka sabse bada break mila tha, सिनेमा में, तो उस दौरान क्या माहौल था, मतलब क्या कैसी मीडिया थी, या कुछ इसका कुछ कम शब्दों में आप वर्णन कर सकते हैं? देखिए कि मौका किसका करेंगे, काम करने का, हीरो बनने का. मेरी जिंदगी में बहुत बार मैं जूनियर आर्टिस्ट का भी काम किया हूँ. एक सीन में दो अनजाने में देखेंगे मैं एक सीन में हूँ, और फिर मिर्गाया में मैं हीरो बन के भी आया हूँ. बट हीरो डिफरेंट हीरो, एक आदिवासी जो हीरो बना था. तो फेस वाइज देखेंगे तो इस मतलब मैं लफ्जों में आपको बयान नहीं कर पाऊंगा कि जब मैं एक सीन किया था उस समय मुझे कोई पहचानता नहीं था, खाने के लिए भी कोई बुलाता नहीं था, हमको जाके बोलना पड़ता भाई खाना मिलेगा. लेकिन मैं कोई अभी गम पे नहीं रखा, मैं दिल पे, इट्स ऑल बीन कवर्ड हो गया, दिल को अभी तसल्ली मिल गई. लेकिन जब हीरो बना तो मेरे लिए लोग खाना लेके आते थे, बहुत फर्क है सर. और इंडस्ट्री में 140 करोड़ की आबादी, मैं इसी दोनों को उस दिन भी कहा था, 140 करोड़ में से तुम्हें एक बनना है, इतना आसान नहीं होगा ये रास्ता, ये सफ़र सोच के चलो, ये सफ़र आसान नहीं होगा. लड़ो, लड़ के खड़े हो जाओ, एकदम जिंदगी भर की कमाई है वो. Thank you. Hi, Samir here from Movie Talkies. Namaste, sir. Yeah. So, you know, Bollywood में बहुत dream होता है, you know, Bollywood में debut करना, और आपका इस film के साथ सच हो रहा है. जो हम लोग ने भी clip देखा, उसमें आप मिथुन सर, मिथुन दा के सर dance भी कर रहे हैं, you know, हम लोग reality show में देखते हैं, उनके साथ 10 second भी कोई, you know, उनके साथ dance कर ले तो उनका dream पूरा हो जाता है. आपके दो dream एक ही film के साथ पूरे हो रहे, तो कौन सा moment ज़्यादा cherish करोगे आप? Every day on Bad Boy was memorable. लेकिन the day I met साजिद भाई एंड देन राज जी, जब मुझे ये फिल्म मिली, वो सबसे ज़्यादा precious होगा, because that was the beginning. I had seen struggle before that as an actor. I'm very proud of my lows as much as I'm of my highs now. तो वो दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था. और मुझे याद है राज जी ने मुझे एक ही कंडीशन पे साइन किया था, कहा था तुम खाना बनाते हो या खाना खिलाते हो? तो मैंने कहा था राज जी आपके लिए मैं खाना भी बनवाऊंगा और खाना लेकर भी आऊंगा. एंड ही सेड ठीक है, अब तो पक्का मैं पिक्चर बनाऊंगा तुम्हारे साथ. तो राज जी इज अ डार्लिंग. एंड उसके बाद पहले ही दिन से अमरीन और मैं, हमने ये फिल्म 90 डेज में टोटली कंप्लीट की. ऑल द 90 डेज वर एक्सट्रीमली मेमोरेबल फॉर मी. थैंक यू जी. क्या खिलाया राज जी को? हम एक्चुअली माई डैड इज अ ग्रेट कुक, तो डैड उस टाइम आउटडोर थे, लेकिन हम राज जी के लिए लेके गए थे पेपर चिकन, बिकॉज राज जी लव्स टू ईट चिकन, दाल चावल और पकोड़े. और जैसे ही राज जी ने खाना खाया, बोला हाँ मैंने सही किया तुम्हें हीरो ले. मिथुन सर, मिथुन सर, मिथुन सर, हाय.
सर आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि डिस्को डांसर जैसा कुछ करेंगे नहीं बट कुछ और करना चाहूंगा रिसेंटली जो आपके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे बब्बर सुबह जी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि डिस्को डांसर का सीक्वल बन रहा है कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में सर हाउ कैन आई पास ही इज द प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही थे सीक्वल बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी लेकिन आई डोंट थिंक आई कैन डू इट नाउ सो मैं इसे कमेंट्स करना सही नहीं होगा आई कैन ओनली से ऑल द बेस्ट सर Please go ahead and do it. Namaste. My question is for you. I'm Rajiv Vijaykar from News India Times. Hello. Hi. Welcome to the industry. Thank you. I met your brother long back. But I just want to ask you one thing which, your father and his generation, whether it is Rishi Kapoor or, had the advantage in their time of support from great music. Now, today we see music at a different level, It is just used as a promotional tool and, within the movie, it does not register really. Yeah. So, will you miss that? Because Dada especially is a big musical star, apart from being a dancing star. Yeah. So, do you miss that period or will you miss this absence of supporting music? Well, me and Amreen cannot say we missed it because Himesh Reshamya has given us a fantastic soundtrack. Right. Right from Tera Hua, Janabe Ali, Alam Na Poocho and Insta, a new song called Insta Witch. Hum bahut lucky hain ki hume gaane bhi bahut tagde mile. Is film ka sangeet bahut strong hai. But the music scene right now, I think there is a lot of remixes happening. Yeah. I am personally not a fan of it, but I think melody ke liye scope hai. That's why I talked about your future films. Well, I think an actor's filmography is strong, but if he has super hit songs like my father, your longevity is always longer because you have a recall value. So I hope ki aane wali filmon mein bhi mujhe bahut achha sangeet ka support mile. Mithunda, there is one I would like to ask you also that aajkal trend bahut chal raha hai sequels ka, remakes ka. So, would you like one of your films to be remade with your son, one or more? Not the iconic films, no. Because वो उसको मार देगा क्योंकि आप लोग ही बोल के नहीं यार ये अच्छा नहीं था और I wish that he doesn't do it. देखिए मैं अपने बेटे को वहां तक ही my advice को महदूद रखता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि everybody has to take his own call. हाँ जब अटक जाता है मेरे पास आता है मैं बोलता हूँ ये करो ये नहीं करो और म्यूजिक की बात करें तो अगर बहुत से मतलब 60% अब मेरे गाने जब आप पहले सुनते थे ना आपको लगता है यार ये कैसा गाना दे दिया मेरे प्रोड्यूसर भी बोलते यार वो गाने सब मेरे डांस करने के बाद हिट हुए अगर आप नोटिस करें तो आई किप्ट ऑन डांसिंग ऑन दिस डांस करके उसके मूव बदल के लेकिन आज भी बहुत से अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर आ गए हैं Songs are very, very good. सब कुछ अच्छा है लेकिन मैं चाहूंगा मेरा बेटा अच्छा इंसान बने पहले उसके बाद भी एक्टर थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच विद दिस वी आर क्लोजिंग Q&A लास्ट क्वेश्चन दादा एक आखिरी सवाल कि लास्ट क्वेश्चन हियर हाँ जी 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 सर हाँ जी साजिद भाई कंग्रेचुलेशंस आपने एक कदम उठाया नया टैलेंट को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने के लिए विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट लाइक राजकुमार संतोष या या एक सवाल आपको पूछना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्म मेकिंग यू आर ए प्रोड्यूसर नो एंड होटल ओनरिंग यू आर द ओनर ऑफ ए यू वेयर द ओनर ऑफ ए होटल ये डिफरेंस क्या है नंबर टू क्या फिल्म मेकिंग इतना पसंद आ गया आपको कि आपने होटल भेज दिया नहीं देखो सिंस चाइल्डहुड आई एम ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर माई फादर वॉज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर तो सिंस 1973 मेरे फादर ने डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया था उस दिन से फिल्म लाइन में ही हूँ मैं सिंस 8th स्टैंडर्ड आई एम इन फिल्म इंडस्ट्री उसके बाद मैं बॉम्बे आया डायरेक्टर बनने के लिए उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में ही दूसरा कुछ काम कर रहे सेटेलाइट सेल्स बिजनेस में हूँ मैं तो रेस्टोरेंट इज माई पैशन कोविड से पहले हमने रेस्टोरेंट खोला था तीन चार रेस्टोरेंट अभी उसको हम लोग ने पॉज किया है बिकॉज ऑफ कोविड के बाद थोड़ा सा मेरे को डाउनफॉल दिखा रेस्टोरेंट बिजनेस में तो काफ़ी अभी प्रोडक्शन हमारे फिल्म्स चल रहे हैं साउथ में भी मैं काफ़ी काम करता हूँ तो उसके लिए उसको पॉज दिया है 2024 में वी आर कमिंग विद सम फ्रेंचाइजेज ऑफ सम रेस्टोरेंट्स तो पॉज है बंद ही किया है
जब इतनी इतनी बड़ी 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 फिल्में बना रहे, बड़ा काम कर, रेस्टोरेंट इज अ स्मॉल बिजनेस टुवर्ड्स द मेकिंग ऑफ फिल्म्स. थैंक यू. एनीथिंग मोर? थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. सर अभी मीडिया वाले देख रहे हैं हम क्लोज क्यों कर रहे हैं, सर की ये रिक्वेस्ट है तो हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी. मैं चाहूंगा नमोशी भाई एक बार सभी के बिहाफ पे हमारे मीडिया को. सर एक मिनट बोलिए. नमस्ते. आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए. हमने बहुत मेहनत की है. मोर देन एनीथिंग एल्स दादा का ब्लेसिंग है इस पिक्चर में बनाई जाती है. बहुत लोगों का घर चला है दादा के फिल्मों की वजह से. बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे लोग ने मतलब अपनी ज़िंदगी सवारी है फिल्म इंडस्ट्री में. बट आज मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, आप लोग अपने तरफ से जितना हो सके, मुझे विश्वास है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये भी अपना एक मकाम बना पाएंगे और लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे. बहुत ही काबिल लोग हैं ये दोनों, नमोशी चक्रवर्ती अमरीन एज अ डायरेक्टर. मैंने हमेशा बड़े बड़े स्टार लोगों के साथ काम किया है. हार्ड वर्किंग टैलेंट है. तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू एनकरेज देम एंड गिव अ बिग हैंड टू नमोशी एंड अमरीन. एंड वंस अगेन आई ऑल्सो लाइक टू से साजिद कुरैशी जी एज अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर. आज के वक्त में जो हिम्मत ये दिखा रहे हैं दो नए टैलेंट को लेकर, कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने स्टार का इंतजार नहीं किया, टैलेंट का किया. टैलेंट पे भरोसा किया, प्रोड्यूसर पे भरोसा किया. और इसीलिए मैं दुआ करूंगा कि प्रोड्यूसर का पैसा जरूर वापस आए. Yes, sir. Can we as well hear from you? How was the experience? First of all, I want to thank Dada and Rajji. वो दिया है मेरे लिए Inbox Pictures में काम करने के लिए. And this is a proud moment for our company, Inbox Pictures, कि we are launching Amreen and Namoshi in our banner. And बहुत-बहुत शुक्रिया Rajji, आपका आपने अच्छी फिल्म बनाई है. चलना नहीं चलना तो ऊपर वाले हाथ में है, लेकिन इट्स अ गुड फिल्म. वी हैड डन द फिल्म, वी हैव सीन द फिल्म, इट्स अ वेरी गुड फिल्म. नमशी और अमरीन ने बहुत हार्ड वर्किंग किया है. तो ऑल सबके लिए मेरा थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया. आपके लिए भी थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. द चार्मिंग ब्यूटी, हाउ अबाउट हियरिंग इट फ्रॉम यू एज वेल? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द मीडिया फॉर कमिंग हियर. आई वॉन्ट टू, मुझे ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है. मुझे अपने प्रोड्यूसर का थैंक करना है क्योंकि उन्होंने दो न्यू कमर्स में बिलीव किया है. एंड हमारा इवेंट हो रहा है 22nd ऑफ अप्रैल को. सो एंड इट्स गोना बी अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर बोथ ऑफ अस. एंड थैंक यू टू एवरीवन हु बिलीव इन अस. वी बोथ न्यू कमर्स नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. एंड सो थैंक यू. थैंक यू, दैट वॉज वेल सर. Lots of blessing and wishes from all of us. And let's hear from our rising star, Namoshi Chakraborty. Hello everyone. Sajid bhai ne kaha ki dad ne unhe main diya, but wo sach nahi hai. Agar aaj is manch mein main khada hoon, to I owe it to two people, Sajid bhai and Rajji, who have believed in me with my father. In this stage, I owe my beginning to these two people who have stood by me for the last 2.5 years. I salute you both for your love and support. Hamara event hai 22 tarikh ko. It's a pre-release event of Bad Boy, jahan hum sab honge maujood. Again, it is the vision of this mind-blowing producer. To main chahta hu aap sab aaye aur enjoy kare. Thank you. Thank you. That was beautiful. सुनने में कुछ ऐसा लगा कि मैं डैडी को थैंक यू नहीं बोलूंगा, ऐसा लगा कि क्या भूल गया, लेकिन ये सच है. आप इसे मानिएगा क्योंकि मैं बहुत अजीबोगरीब एक डैडी हूं जो कहता रहता है कि फाइट योर ओन बैटल. एज ए फादर आई एम ऑन नाउ वीडियो. यस इट्स अ वीडियो व्हिच वी आर
लेजेंड माने जाते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. सो कुछ बताना चाहेंगे कि कितने स्टेप्स उन्हें उनके फॉलो करते हैं आप, एंड कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, क्योंकि आपके डैड हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड हैं. तो जब एक स्टार किड आता है तो बहुत सारी बातें होती है कि ऊपर होता है, तो आप बताइए कि कितना प्रेशर है आपके ऊपर, एंड बैड बॉय के बारे में कुछ बताइए. आपका नाम? अरुण कुमार. ओके अरुण भाई, फर्स्टली थैंक यू फॉर कमिंग. रही बात आप जो लोग जम गए हैं इन्हें देखने के लिए, तो ये लेजेंड नहीं है, ये गॉड है जो 50 साल से हिंदी सिनेमा हिंदुस्तान को अपने काम से कैप्टिवेट कर रहे हैं. सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में दिस मैन इज अ लेजेंड. रही प्रेशर की बात, में हम क्या बोलते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप में गैप आ गया. रुकरा अभी हाउ आर यू बोलने के लिए आप बोलते 12-14 फिल्में. आप लोगों को शायद मालूम होगा, ज्योति इधर है, ज्योति को मालूम होगा, एक टाइम मेरी 65 फिल्म फ्लोर में थी, 65 फिल्म्स ऑन फ्लोर. और 60 मैं ये कहना चाहूंगा कि पापा घर पे हमें बहुत पैम्पर करते हैं. ही इज वन ऑफ द बेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड. तो जब भी ये आउटडोर करके आते हैं तो हम इनके खाने का वेट करते हैं. ही इज़ अ वेरी वेरी सपोर्टिव एंड लविंग फादर. इनकी एक बात जो बहुत अच्छी मुझे लगती है, इवन एज एन एक्टर नाउ दैट आई एम वर्किंग, आई डेब्यू 15 इयर्स अगो एंड आई बिलीव दैट ही इज़ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर ऑफ आवर कंट्री. जब वो आए थे माई फादर वॉज सो प्रैक्टिकल विद हिम. आई यूज टू फील जब मेरा दिन आएगा, आई होप अजी उन्होंने बोला नमोशी आपको जितना अप्रिसिएशन मिल रहा है टेक इट इन योर स्ट्राइड बट देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिल्म एंड वर्क हार्डर. We are never told कि अब तुम स्टार बन गए, nothing. We are very humble and he keeps us grounded. रही बात सेट की, उनके डांस को कहाँ रेट करते हैं? देखिए मुझे क्या देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है नमोशी को सब चाहता है कि मिथुन चक्रवर्ती दिखे, ठीक है. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ उसको कंपेयर ना करें, क्योंकि 45 ईयर फिल्म एक्टर हैं. आप देखिए अब उनको जज करें, फर्स्ट फिल्म फर्स्ट एक्टर कैसा करेगा एक नया एक्टर. लेकिन अगर मिथुन चक्रवर्ती के साथ उसको जुड़ के करेंगे तो छोटा ही दिखेगा. लेकिन एज एन एक्टर जितने मैंने देखी है मेरे को बहुत बहुत इम्प्रेस किया है. मैंने तो पहले दिन ही सेकेंड देखो मैं हमने इनको कह दिया था लुक आउट फॉर दिस गर्ल शी इज गोइंग टू बी अ स्टार. आज भी मैं बोल रहा हूँ. और नमोशी को तो इतना ही कहूँगा कि यू कांट हेल्प इट. मुझे लोग बोलेंगे यहाँ खाली इतना बोल देंगे चलो भाई बोल दे चलो. एक सवाल आपको पूछना था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्म मेकिंग, यू आर प्रोड्यूसर नाउ एंड होटल ओनर, यू आर द ओनर ऑफ ए, यू वेर द ओनर ऑफ ए होटल, ये डिफरेंस क्या है? नंबर टू, क्या फिल्म मेकिंग इतना पसंद आ गया आपको कि आपने होटल भेज दिया? देखो सिंस चाइल्डहुड आई एम ए फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द वर्ल्ड.